विभिन्न किसान संगठनों द्वारा रेल रोको अभियान का आह्वान किए जाने पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के किए थे व्यापक इंतजाम। गोरखपुर जोन में कहीं भी नहीं हुआ प्रदर्शन, स्थिति रही सामान्य। केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में किसान संगठनों द्वारा रेल रोको आंदोलन पूरी तरह रहा विफल। एसपी रेलवे ने कहा, जनपद में कहीं नहीं आई रेल रोकने की सूचना, स्थिति रही सामान्य। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय संचार मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के 86वें जयंती के अवसर पर वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि। स्वर्गीय वीर बहादुर के सपने को पूरा करने का लिया संकल्प। असुरन चौक से महाराजगंज तक के निर्माणाधीन 4 लेन के कार्यों का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण, कार्यों को समय अनुसार पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के सहयोग से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का एक दिवसीय बिल कलेक्शन मीटर रीडिंग विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम। महिलाओं को दी गई विद्युत बिल वसूलने की जानकारी। कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण के तीसरे चक्र में 90% हुआ टीकाकरण, पुलिस कर्मियों में दिखा खासा उत्साह। 32 अस्पतालों में 48 बूथ पर 4931 फ्रंटलाइन वर्करों ने लगवाया टीका, 4428 पुरुष और 503 महिलाएं रही शामिल। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सुमंगला कन्या योजना की समीक्षा बैठक, सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों के प्राचार्यों और मैनेजर को योजना के प्रचार प्रसार करने के दिए निर्देश, कहा निर्धन स्कूली छात्राओं को उपलब्ध कराएं योजना का लाभ। एडीजी अखिल कुमार ने चौरी चौरा थाने का किया औचक निरीक्षण, अभिलेखों की जांच, कंप्यूटर कक्ष, दीवान कक्ष आदि का निरीक्षण और ड्यूटी रजिस्टर की ली जानकारी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी की अध्यक्षता में गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित की गई समीक्षा बैठक, जन सुनवाई, महिला फरियादियों की सुनी गई फरियाद, घरेलू हिंसा के आए ज्यादातर मामले। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को मिले मात्र 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,453। अब तक 363 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 42 रह गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। विकास एवं सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भारत सरकार के केंद्रीय संचार मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह का 86वां जन्मदिन। भाजपा के वरिष्ठ नेता जितेंद्र बहादुर सिंह ने जिला चिकित्सालय में गरीबों को किया कंबल वितरण, पूछा कुशलक्षेम। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आहूत की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना संबंधित बैठक, संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण स्थगित की गई बैठक, अगले बैठक में होगी योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज 500 बेडेड आउटसोर्सिंग, संविदा संघर्ष शोषित समिति के बैनर तले नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन एवं निकाले जाने के संदर्भ में मेडिकल कॉलेज गेट पर किया धरना प्रदर्शन, मांगों को पूरा करने की मांग। और लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी प्राइज मनी क्रिकेट प्रतियोगिता के 4थे दिन के मैच में इलाहाबाद की टीम ने कानपुर को हराकर किया सेमीफाइनल में प्रवेश।